हेलो हेलो बलराम भैया नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु जी को ताई लगी और मेरे सभी भाइयों को, बड़े भाई छोटे भाई मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं शैलेंद्र सिंह नागपुर महाराष्ट्र से, मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और प्राइवेट नौकरी करता हूँ, सेल्स और मार्केटिंग। नौकरी में पहले मैं काफ़ी अच्छे लेवल पे काम किया, बाद में ग्राफ नीचे घसरा, अब तो लड़खड़ा गया है। उसके बाद और एक दो जगह काम किया चेंज करके, पर अब जिस लेवल पे पहले काम किया है और अब जो कर रहा है उसमें मज़ा नहीं है। तो इसीलिए स्टेबिलिटी के लिए खेती की ओर रुख किया है, क्योंकि अभी तक के इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। अभी तक तो ठीक है, लेकिन अब से अगर कुछ साल बाद फिर ऐसे ही हालत रहे तो मुश्किल हो जाएंगी, इसलिए एक बार एग्रीकल्चर की ओर रुख किया है। और जैसा आपने गुरु जी का दूसरा सवाल था कि भाई आप किसान पाठशाला से क्यों जुड़ना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, आपका उद्देश्य क्या है जुड़ने के बाद, तो मैं यही कहूँगा कि मेरा उद्देश्य है पहले सीखना, फिर उसको प्रैक्टिकली करना, सक्सेस होना, खुद को साबित करना, उसके बाद फिर सीखना। क्योंकि बगैर साबित किए तो सिखा ही नहीं सकते। आप अगर सिखाने जाते भी हैं, किसी से कुछ कहेंगे भी, तो आपका मजाक बनाएंगे, उड़ाएंगे कि चल तू तो रहने दे, नया नया और हमको सिखा रहा है, हम इतने सालों से कर रहे हैं, अभी तक तो तू बाहर ही रहा और अब आके हमको एक ही बार खेती का ज्ञान दे रहा है। क्या है, बगैर सीखे, बगैर खुद को साबित किए ये हो नहीं पाएगा। इसीलिए और ये सारी चीज़ें क्या है कि किसान पाठशाला में ही हो सकती है, सीखना सिखाना, इसलिए किसान पाठशाला से जुड़ो। और जहाँ तक बात है सिखाने का, तो मेरा इंटरेस्ट रहा है शुरू से सिखाने में। मैं चाहता था कि मैं सिखाऊं, क्योंकि मैं जब मार्केटिंग में था, जब मैं शेड नेट मल्चिंग और ग्राउंड कवर वगैरह की मार्केटिंग करता था, तब मैं कई किसानों से मिला था, महाराष्ट्र का काम करता देखता था मैं, और कुछ साउथ का था, तो किसानों को जहाँ प्रोडक्ट देते थे वहाँ विजिट करने जाते थे, मिलते थे, वहाँ मैं देखता था किसानों के पास। एक तरफ तो सुनने में आता है कि इधर लोग आत्महत्या कर रहे हैं इधर में, और उधर में देखा कि वो मस्त मोटी मोटी चैन पहन के और हाथ में कड़ा पहन के सोने का और सब कारोबार कर रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं। लोगों के पास 50 एकड़ 100 एकड़ खेत है, किसी ने 20-25 एकड़ में अंगूर लगा रखा है, किसी ने 1 एकड़ 2 एकड़ में टमाटर लगाया है, शिमला मिर्च लगाया, लाखों कमा रहे हैं। हमें ऐसे छोटे किसान भी मिले जिन्होंने 1 एकड़ में ही लगाया है, एक एकड़ में शिमला मिर्च लगाया और 8 लाख रुपए कमाए साल भर में। मैंने कहा बढ़िया यार, किसी ने 5-6 एकड़ में शिमला मिर्च लगाया, टमाटर लगाया और 3 करोड़ कमाए। सब प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते थे, नेट हाउस पॉली हाउस बना के काम करते थे, तो उस एरिया में सब काफ़ी है। लेकिन ये जो काम है, जिन्होंने इतना कमाया, वो ऐसे ही नहीं कमाए, वो इस काम को बिजनेस की तरह कर। अगर आप सोचेंगे कि हम ये खेत में लगा के और घर में जाके आराम कर लें और फिर पैसा हो जाए, तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। वो लोग बिजनेसमैन की तरह मेहनत करते हैं शुरू से आखिर तक, क्या लगाना, कब लगाना, कहाँ बेचना, सारी चीज़ें। तो यही हमारे बलराम भैया भी कहते हैं कि भाई पेपर पे आओ, सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, सब करो, तभी जाके सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज सक्सेस मुश्किल है। ऐसे दूर से देख के बहुत अच्छा लगता, पर करने जाओ और उस तरह से नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। और इसी सिलसिले में मैंने एक बार बड़ौदा में रिलायंस के फार्म हाउस पे एक सेमिनार अटेंड किया था। वहाँ पर भी आप समझिए कि कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज के डीन आए थे, बिजनेसमैन आए थे, फार्मर्स आए थे, बैंकर्स आए थे, मतलब इन चीज़ों से रिलेटेड उन लोगों ने सभी को जमा किया था और सबका एक्सपीरियंस शेयर किया वहाँ पर। तो उसमें जो गुरुजी थे, किसान डीन थे कॉलेज के, उनका यही कहना था कि भाई पहले छोटे स्थान, छोटे जगह में करके देखो, एक ही बार लोन लेके बड़ा काम करने की मत सोचो, पहले उसकी कमियां, उसकी चीज़, बीमारियों को समझो, कैसे होगा, क्या होगा, उसके बाद आप फिर बड़े में जाओ। और जो बिजनेसमैन थे वो यही कहते थे कि अगर बिजनेस की तरह करोगे तो ही कर पाओगे, अगर घर में लेट गए सो गए, खेत में डाल के बीजे, तो नहीं होना है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है इसको करने का, आप इधर आओ ही मत। कुल मिला के कहना यही है कि इसको बिजनेस की तरह करेंगे तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा।
और मैंने देखा है कि ये अधिकतर किसान नहीं करते हैं। मैं और हमारे बिहार में तो बिल्कुल ही नहीं, बहुत कम ही होंगे। मतलब हमने देखा है कि वहाँ पर क्या है, खेत में लगा 365 दिन में 65 दिन काम करेंगे और 300 दिन फिर आराम करेंगे। खेत में लगा देंगे वो गेहूँ चावल, जाएंगे फसल होने पे काटेंगे, कुछ खाने के लिए रख लेंगे, बाकी सब बेच देंगे। बेचने के बाद जो पैसा बच गया उसको रख लेंगे और उसी में अपना सेटिंग कर लें कि भैया इसी में साल भर जीना है, आगे की खेती भी इसी में फिर शुरू करनी है। मतलब वो उन्होंने एक अपना कंफर्ट जोन बना लिया है और उस कंफर्ट जोन से वो निकल नहीं पाते। निकलना चाहते तो हैं मगर वो खुद से इनिशिएटिव नहीं ले पाते। क्या है कि अभी पिछले 3 साल पहले की बात है कि मैं गांव गया था। मैं हर साल गांव जाता हूँ 1 महीने के लिए, और इस बार ही नहीं जा पाए कोरोना के चक्कर में। तो वो वहाँ पर किसी किसान ने 1 बीघा में पुदीना लगाया था, मिंट, और उसने एक मशीन भी लगा रखी थी उसकी तेल निकालने की। वो उसका तेल निकाल के बेचते थे। तो पहले साल तो वो अकेले ही 1 बीघा में करते थे, लेकिन जब मैं दूसरे साल गया तो देखा कि वो 1 बीघा का 10 बीघा हो चुका है। तो लोगों ने किया तभी हुआ, नहीं करते तो नहीं होता। तो बात वही है कि उनको सिखाने वाला, बताने वाला कोई हो, या कहेंगे कि यूँ साबित करके दिखाए कि हाँ भाई मैंने ये किया है और इसमें इतनी कमाई है, ये हो सकती है, आप भी करो, तो फिर वो आपके साथ करेंगे। और अगर आप साबित नहीं करो तो मतलब नहीं कर पाओगे, तो फिर वो कुछ होना नहीं। वो तभी आपकी सुनेंगे, तभी आपसे समझेंगे, और उनको बताना पड़ेगा कि इसमें इतनी कमाई हो सकती है अगर आप मेहनत किए तो। नहीं तो फिर वही है कि बेटियों की शादी करने के लिए खेत बेचने पड़ेंगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो इसलिए क्या है कि सीखने के बाद ही, साबित करने के बाद ही खुद को हम उनको सिखा पाएंगे और वो हमारी बात मानेंगे। तो इसीलिए किसान पाठशाला को ज्वाइन किया कि सीख सकें और सिखा सके बाद में। और जो किसान पाठशाला का उद्देश्य है, सीखना सिखाना, बनो किसान, खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब ये सब करने में आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। आइए हम सब मिलकर इसको करें, इस उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग करें दुर्गम भैया का, और उसमें उनका भी अपना भी मतलब भला होगा, और हम भी अपने एरिया में अच्छा कर पाएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को किसान पाठशाला से जोड़ें, यही अपना एक एम होना चाहिए। और मैं ये सब कर लूँगा करूँगा, थोड़ा लेट होगा, क्योंकि क्या है कि जब मैं इस चीज़ की बात घर में पहले किया तो काफ़ी, तो आप यूँ समझिए कि रेजिस्टेंस घर से ही मिल गया कि भैया तू कहाँ जा रहा, खेती करने पागल हो गया, खेती में किसका भला हुआ है, तेरा हो जाएगा। सारा गांव, मतलब गांव के लोग गांव छोड़ के शहर आते कमाने के लिए, और तू शहर छोड़ के गांव जा रहा है, हंसेंगे सब। मैंने कहा ठीक है, हंसेंगे तो पहले हंसेंगे, जब हम सक्सेस हो जाएंगे तो उनका हंसना भी बंद हो जाएगा और हमको फॉलो भी करेंगे। वो करने के लिए अब हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं तैयार हूँ ये करने के लिए, करूँगा। बलराम भैया बस ध्यान रखना, हम हैं आपके साथ, आपका जो भी एम है उसको भी पूरा करना, और अपना भी मतलब अपने लाइफ का जो भी एम है कि स्टेबिलिटी हो जाए और स्टेबल लाइफ जिए, वो भी पूरा करें। इस कार्य में आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, धन्यवाद। मैं मार्केटिंग का आदमी थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ, कुछ ज़्यादा बोल गया होगा तो आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। नमस्कार।